बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है किचन टिप्स के और किचन हैक के ऊपर। मैंने आज थोड़ा डिफरेंट बनाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मैंने कुछ DIY करे हैं, मैं आपको वो दिखाऊँगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये DIY कैसे लगे हैं और आपको ये किचन हैक्स कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि जब हम सर्दियों में अक्सर दही जमाते हैं तो वो जमती नहीं, मुश्किल हो जाती है। तो मैंने क्या करा है, मैंने लिया है हल्का सा गर्म दूध और उसमें मैंने दही मिलाया है 1 भर के चम्मच। और जैसे बच्चों के घर में सर्दियों में छोटे वूलन के कपड़े जो होते हैं जो यूज़लेस हो जाते हैं, बच्चों के आते नहीं हैं, आपको क्या करना है, जिस बर्तन में आपने दही जमाई है उस बर्तन को आपको उस जर्सी या स्वेटर के अंदर करना है और फिर उसे दोबारा से एक और कपड़े के अंदर करके रखना है और उसको रखना है आपको पूरा। अगर आप रात में जमा रहे हो तो आप एक रात उसको रखिए। और ये देखिए कितनी अच्छी दही जमकर तैयार हुई है। तो आप ज़रूर ये टिप्स ट्राई करिएगा। चलिए चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। तो मेरे पास पड़ी हुई थी प्लास्टिक की ये खाली बोतल जो कि यूज़लेस थी, तो मैंने इसको 2 पार्टों में काट लिया है। नीचे का पार्ट बड़ा रखा है, ऊपर का थोड़ा छोटा रखा है और आप इसका रैपर ये उतार लीजिएगा। मैंने बाद में उतार लिया था। तो आप इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर, सब चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में या किचन में रखेंगे तो ये आपका स्पेस जो है वो कम, बहुत कम घेरेगा। आप इसे आराम से रख सकते हैं और इसमें ख़राब भी नहीं होगा, आपकी जो भी आप सब्ज़ी या सामान रखते हैं वो ख़राब नहीं होगी। और मेरे पास पड़ा हुआ था ये कैप, तो मैंने इसके ऊपर लगाया। तो देखिए देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये DIY। आगे चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो मेरे पास पड़ा हुआ था ये पीलर और कटर जो कि 2-in-1 है, बट ये ख़राब हो चुका है, इसके ब्लेड भी ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कोई हैक करा जाए। तो मैंने लिया है ये जिससे हम बर्तन धोते हैं ना, वो वाला मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और मैंने इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया। तो और ये देखिए बहुत ईजिली और बहुत अच्छी तरह से सब साफ़ कर रहा था, क्योंकि सर्दियों में जब आप बार बार हाथों में लेते हैं तो वो हाथों में भी ना लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ वगैरह फटे हुए हैं तो उनमें मिर्ची लगने लगती हैं और स्किन ख़राब हो जाती है। तो आप इससे करेंगे ना तो एक तो आपका हाथों को आपको आराम मिलेगा और इससे इतना चमकदार और इतना क्लीन हो गया था ना सारा। और मुझे ये टिप्स बहुत अच्छा लगा। आप इससे कुछ भी साफ कर सकते हैं, गैस वगैरह, अपनी किचन, टाइल्स, सब कुछ ये साफ करा। तो कैसी लगी है आपको ये टिप्स? तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो किचन में कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी रबड़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आती हैं और समझ में नहीं आता कि इनको कहाँ रखें। तो मेरे पास थी बच्चों की खिलौनों की ये डार्ट, जो बंदूक होता है जिससे निशाने लगाते हैं उसमें डार्ट होती है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कोई DIY करा जाए। तो देखिए इसको चिपकाते हैं तो ये उतर नहीं सकता, तो मैंने सारी रबड़ वगैरह इसके अंदर कर दी। अब ये गिरेंगे भी नहीं और टाइम पर मिल भी जाएंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स? तो चलते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो मेरे पास पड़ा हुआ था ये किचन की जो सिंक होती है उसमें जहाँ पाइप लगता है ना, वो ये हिस्सा था ऊपर वाला जहाँ पाइप फिक्स होता है और ये ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा इसे यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसके अंदर करें हॉल जो कि मैंने जलाकर थोड़ा पिघलाकर उससे हॉल किए। और मैंने सोचा इसके अंदर मैं रखती हूँ ब्रश और बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने उसके ऊपर ही कैप लगा दिया था तो और भी प्यारा लग रहा था, क्योंकि ब्रश जब एक दूसरे से टच होते हैं तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा। टिप्स नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास पड़ी हुई थी स्टील की छलनी जिसकी जो नेट थी वो सारी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा इसके साथ कुछ DIY करा जाए। तो मैंने ली है एक प्लास्टिक बॉटल और उसको ऊपर से काट लिया है और फिर मैंने इसको ग्लू की हेल्प से, आप कोई सा भी ग्लू, अच्छा सा ग्लू ले सकते हैं, मैंने ग्लू लिया है और ग्लू की हेल्प से मैंने इस छलनी के अंदर इसको चिपका लिया है। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आप इसकी, ये अच्छे से फिक्स हो गया और आप इसे पानी डाल सकते हैं आराम से। अगर आपको ऑयल डालना है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा और छलनी की हेल्प से ना इसको पकड़ने में भी बहुत आसानी हो रही थी। तो ये हैक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत अच्छा लगा। और ये बॉटल जो है ना ये छलनी में अच्छे से फिक्स हो गई है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा।
तो चलते हैं टिप्स नंबर 7 की तरफ। तो मेरे पास पड़ा होता है ये प्लास्टिक का कंटेनर, तो मैंने सोचा इसका कुछ यूज़ करते हैं। और मैंने लिया है ये वाइप्स के ऊपर जो कवर आता है जहाँ से खोलते हैं और वाइप्स निकालते हैं, तो मैंने ये उसका निकाला क्योंकि ये वाइप्स ख़त्म हो चुके थे तो ये यूज़लेस था। तो मैंने इसके ऊपर लगाया है ग्लू, और ग्लू लगा के मैंने इस कंटेनर का जो ऊपर का ढक्कन है इसके ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और ये बिल्कुल फिक्स हो गया था। फिर मैंने ढक्कन खोल के जितनी जगह में ये ओपन है वहाँ से मैंने इसको काट दिया। तो आपको जब इसको काटना है तो आपको बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। मैंने ये कटर जो था इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और ये देखिए इसके अंदर आप टिश्यू वगैरह आराम से रख सकते हैं, तो बहुत ईजिली निकल गया और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इसके अंदर पॉलिथीन भी रख सकते हैं या और भी कोई सामान अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ईजिली रख सकते हैं, और आराम से ये बंद भी हो जाएगा, और कुछ अगर आप रखते हैं तो वो बाहर भी नहीं निकलेगा। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया ये हैक, आप बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा। चलते हैं टिप्स नंबर 8 की तरफ, जो कि है लहसुन छीलना, जो कि ये काम ना ज़्यादातर सभी को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, तो मैंने इसको इजी वे में आपको करके दिखाया। आपको क्या करना है कि जहाँ पर लहसुन की कलियाँ होती ना वहाँ कट लगाना है, और इसके बीच में एक एक कट लगाना है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको निकालेंगे ना तो ईजिली बहुत ईजिली से आसानी से ये बाहर निकल, देखिए ये बाहर निकल जाएगा लहसुन छिलके में से, और छिलके यहीं इसके अंदर ही रहेंगे और इसके अंदर से ये लहसुन आराम से निकल जाएगा। तो मेरे पास जो ये लहसुन रखा हुआ था ना ये काफ़ी पुराना था और फ्रेश नहीं था, और ना इस वजह से ना ये मुरझा भी गया था। तो थोड़ा मुझे छीलने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आप फ्रेश आपके पास लहसुन है और थोड़ा मोटा है थोड़ा बड़ा है तो वो और ज़्यादा आसानी से छिल जाएगा। हालांकि मुझसे तो ये आसानी से छिल रहा था, शायद आपको देखने में थोड़ा लग रहा हो कि परेशानी हो रही है, बट ये मैंने इसको बहुत आसानी से छील लिया था और बहुत जल्दी। अगर आप एक एक करके अलग अलग करके इसको छीलते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और बहुत उसमें टाइम लगता है। तो आप इस मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये देखिए कितनी ईजी से बहुत आसानी से ये छिलके इसके उतर जाते हैं। तो आप मेरे इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, और ये टिप फॉलो करने के बाद आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि पर्सनली ये मुझे भी बहुत पसंद है, और जब आप इसको करोगे तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, आपका टाइम भी बचेगा इसमें, और जो उंगलियाँ चिपक जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। तो ये देखिए ये मैंने छील लिया है, और नीचे मैंने छिलके इसीलिए दिखाए कि देखिए सारे छिलके निकल गए हैं। तो कैसा लगा आपको, तो चलते हैं टिप्स नंबर 9 की तरफ। ये है प्याज, जिसे काटने में अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ऊपर से इसको काट देना है और नीचे से काट देना है, और इसके छिलकों के साथ ही इसको आपको पानी में भिगो देना है। आपको इसका छिलका नहीं उतारना है, आपको इसको पानी में भिगोना है, और इसी पानी में आपको थोड़ा सा सिरका भी मिला देना। इससे होगा ये कि जब आप इस प्याज को डालेंगे और सिरके को भी डालेंगे और इसको रखेंगे आप कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए, तो जब आप इसको काटेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, आपकी आंखों में से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। तो चलते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ। तो मेरे पास थी ये स्प्रे बॉटल, और मैंने सोचा कि एक DIY बनाते हैं इसका। तो मैंने क्या काम करा, मैंने लिया है इसमें पानी, और पानी में मैंने नींबू कट करके डाले हैं, उसके टुकड़े मैंने काटे हैं और नींबू को मैंने इसके अंदर डाला है। अब आपके पास जो सोप होता है जिससे आप बर्तन वगैरह धोते हो, वही जो ये बचा हुआ साबुन था, तो मैंने क्या काम करा, मैंने इस बार को इस बॉटल के अंदर डाल दिया। मैंने और कोई लिक्विड वॉश वगैरह या कोई स्पेशल और कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ ये डाला है, और मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर डाला है, और ये सब डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करा है। और आप यकीन करिए ये इतना अच्छा क्लीनर बन चुका था ना, मैंने इससे टाइल साफ करे, और मैंने इससे किचन का जो बेस होता है वो साफ़ करा, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करा, आप इससे सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। तो और आप इससे गैस भी क्लीन कर सकते हैं, आप इससे दीवारें क्लीन कर सकते हैं, टाइल, और यकीन करिए बिल्कुल ना चमक गया था सब कुछ, क्योंकि इसके अंदर सोडा भी है और नींबू भी है, और इसके अंदर मैंने जो मैंने कोई अलग से स्पेशल बार वगैरह इसके अंदर नहीं डाला है, जो जो
सिंपल साबुन होता है बर्तन धोने वाला, मैंने वो इसके अंदर डाला है और फिर मैंने इसको अच्छे से रगड़ा तो, और आप यकीन करिए कि टाइल्स ना बिल्कुल चमकने लगे थे। ये देखिए कितने चमकदार, मतलब बहुत ज़्यादा चमक गए थे, बहुत अच्छा मुझे ये लगा DIY। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये स्पेस भी कम घेरता है और आप इसे बनाकर बॉटल में रख लीजिए और जब भी आपको सफाई करनी हो तो आप सिर्फ इसे स्प्रे करिए और स्प्रे करने के बाद आप इसको आराम से क्लीन करिए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलते हैं टिप्स नंबर 11 की तरफ। तो मेरे पास पड़ा हुआ था ये वाइपर जो कि मैं किचन में मोस्टली नीचे लगाती हूँ, ऊपर का मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसका मैंने अलग रखा हुआ है और ये नीचे का है। तो मैंने लिया है ये जूना जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, स्टील का जो होता है वो वाला, और मैंने ये इसकी जो रबड़ थी ख़राब हो चुकी थी तो मैंने इसके ऊपर ये लगाया और ये ना बहुत अच्छा क्लीन करने लगा। और मैंने आपको दिखाने के लिए देखिए फर्श पे थोड़े से निशान लगाए हैं और फिर मैंने जो अभी DIY क्लीनर बनाया था मैंने ये क्लीनर छिड़का है और अब मैंने इसी वाइपर से मैं इसको साफ़ करूँगी। और ये देखिए मैंने इसको इससे रगड़ना स्टार्ट करा है और धीरे 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 ये ना बिल्कुल क्लीन हो गया, फर्श बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया। ये देखिए सारे निशान जो थे वो इस जूने से, इस वाइपर से आसानी से छूट गया। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके हाथों में ये नहीं लगा, क्योंकि जब हम जूने से हम काम करते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा ये चुभता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो मैंने वाइपर से जब करा तो ईजिली हो गया। तो आपको कैसा लगा ये हैक आप ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।